गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार तेमज अपना वहीवटदार श्री प्रफुल भाई पटेल माननीय प्रशासक श्री मार्गदर्शन हेठ अपने जीवामृत बनावानी जैविक खेती तरफ वरवानो एक पगलू भर्यू छे। खेतीवाड़ी तेमज वन विभाग तरफ थी मूलभूत 50-60 वर्ष पहला अपने कोईपण दिवसे अपने रासायणिक खातर वपराश थतो नहोतो। हवे समय जता उत्पादन वधारा माटे लोकोए असह्य उपयोग करवा माँड्यो छे। एक एना लीधे घणी बीमारीओ माणसमां आवा माँडी छे। तो पाछा आपणे वरीए तेना माटे आ जैविक खेती तरफ आपणे वर्या छे, जे आपणने मददरूप माटे आ कड़ी थशे। એના માટે સામગ્રી કઈ લેવાની, શું કરવાનું, એ બધું માર્ગદર્શન આપણે આજે આપ્યું છે। આ જ વસ્તુ આપણે કચીગામ ખાતે ડેરી સરકારી ફાર્મ ખાતે આપણે આજે કર્યું છે। વર્મી કમ્પોસ્ટ, જીવામૃત, પછી બીજામૃત એમ કરીને કેવી રીતે બનાવવાનું એ બધું માર્ગદર્શન એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર તેમજ वन विभाग तरफ से सूचना करी अने लोगों ने जो आज हम जीवामृत बनाया उसको जो है हम अभी तक क्या है केमिकल बेस्ड खाद यूज़ करते थे हमारे खेत में, जिससे क्या है कि हमारी ज़मीन भी जो कम उपजाऊ होती जा रही है और हमारे शरीर में भी उसकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। और जब पहले जो हम ट्रेडिशनल खेती करते थे वही ट्रेडिशनल खेती को करने के लिए हम आज जीवामृत सबको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जीवामृत कैसे बनाना है। तो जीवामृत कैसे बनाना उसका कुछ थोड़ा बहुत आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जीवामृत बनाने के लिए हमें 200 लीटर का बैरल लेना है। उसके अंदर 170 लीटर या 160 से 170 लीटर आप पानी भर लीजिए। उसके अंदर आप क्या है कि देसी गाय का जो गोबर है, देसी गाय का गोबर 10 केजी ले लीजिए। 10 लीटर हमारा गौमूत्र है उसे ले लीजिए। 1.5 से 2 केजी आप जो दाल का बेसन आता है या कोई भी दाल का बेसन आप यूज़ कर सकते हैं वो लेना है। 1.5 से 2 केजी आप 200 ग्राम जो बड़े पेड़ की जैसे बरगद के पेड़ है या पीपल का पेड़ है उसके नीचे के 200 ग्राम मिट्टी ले लीजिए। और जो हमारा देसी काला गुड़ आता है वो 1.5 से 2 केजी आप ले लीजिए। और वो जो हमने 160 लीटर का जो बैरल दिया है, 160 लीटर पानी वाला जो बैरल दिया है उसके अंदर आप 1.5 से 2 केजी गुड़ डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। हमारा जो बेसन लिया है हमें 1.5 से 2 केजी उसे डाल देंगे, उसे मिक्स करेंगे। गोबर डाल देंगे 10 केजी, 10 लीटर हमारा गौमूत्र है उसे डाल देंगे और 200 ग्राम जो मिट्टी है उसको डाल के उसको अच्छे से क्लॉकवाइज करना है 5 मिनट के लिए। और उसे हमें 5 दिन के लिए छोड़ देना है। 5 दिनों में हमें सुबह में 5 मिनट और शाम को 5 मिनट के लिए उसे 5-5 मिनट के लिए स्टर करना है। 5 दिन के अंदर आपका जीवन बन के रेडी हो जाएगा। उसको आप पानी के साथ डाइल्यूट करके अपने खेती में यूज कर सकते हैं और वो बहुत बढ़िया खाद की तरह काम करेगा और उससे आपका जो प्लांट का ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होगा। आपका पूरा नाम और पोस्ट? मेरा नाम स्वप्निल पटेल है और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दादरा नगर हवेली में एज अ फॉरेस्ट कर रहा हूँ।